सभी को नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल बी क्रिएटिव इंजॉय प्रेजेंट लाइफ पे। और आज बच्चों की डिमांड है मूंग दाल नमकीन, और आज हम ये बनाएंगे दोस्तों। और ये मूंग दाल मैंने ले ली है, और ये मैंने रात को भिगो दी थी, और इसमें मैंने मीठा सोडा डाला था। और अब हम इसको वॉश करेंगे सही ढंग से, और उसके बाद इसको सुखाने रखेंगे। वो आपको प्रोसेस पूरा दिखाएंगे दोस्तों। मूंग दाल काफी हेल्थ बेनिफिट है इसके, जैसे कि रक्तचाप को जो है आपके बीपी को कंट्रोल करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है, इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये बहुत फायदेमंद है, और जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं इसमें। तो दोस्तों मूंग की दाल खाइए और रोग भगाइए। अभी हम जो बना रहे हैं ये मूंग की दाल की नमकीन है, तो इसको हम आपको बताते हैं। अभी मैंने जैसे बताया कि इसे भिगा दिया था, इसे हम कैसे धो के अच्छे ढंग से धोना है, क्योंकि इसमें हमने सोडा मिलाया था, तो हम इसे धो के फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये मैं इसे साफ कर रहा हूँ सही ढंग से, ताकि इसका जो सोडा है जो हमने डाला था रात में, इसके साथ वो साफ हो जाए सही ढंग से। और बेकिंग सोडा होता है, इससे ये जो है दाल फूलती है सही ढंग से जब आप फ्राई करोगे। तो को सही ढंग से धोना है आपको बिल्कुल। ये दाल है मैंने रात में भिगाई थी, 8 घंटे, 8 से 10 घंटे आप भिगाएं इसे, और सरसों के तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। और दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हल्का मसाला भी नहीं लगता है इसमें, सिर्फ नमक डाला जाता है थोड़ा सा। तो चलो इसे हम अब सुखाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने जो दाल है वो एक कपड़े में, ये जो कपड़ा है इसमें सूती कपड़ा है, इसमें मैंने रख दिया है इसे सुखाने के लिए। और इसे धूप में नहीं रखना है दोस्तों, इसे छाए में ही रखना है। और इसका जब तक पानी हल्का सूख ना जाए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए जब तलने के समय में, ऐसे कपड़े में आप रख दीजिए इसे 2 घंटे के करीब, फिर इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो दोस्तों ये मेरी मूंग दाल है वो जो सूख चुकी है, ये मैंने इस कपड़े में सुखाया था। और अब मेरा ये जो तेल है ये गर्म हो चुका है, ये देखिए, और हम इसमें डालेंगे मूंग दाल, और इसको डालना है, और जब तक करारी ना हो तब तक भूनना है। देखिए मैं कैसे डाल रहा हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों ये मेरी मूंग की दाल है, ये बन चुकी है मूंग दाल नमकीन, और इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। ये नमक मिला दिया है, और ये नमक मिला के बस इसमें साधारण नमक डालना होता है और कुछ नहीं डालना होता है। इसे हम मिक्स कर लेंगे, और ये आपकी मूंग की दाल की नमकीन है वो बनके तैयार हो गई। देखो कितनी बढ़िया नमकीन बनी है मूंग की दाल की, इसे घर में बनाएं खाएं, बाहर से बढ़िया है ये। तो बाहर गंदे तेल में बनती है, हमने आपने यहाँ सरसों के तेल में बढ़िया तेल में बनाया, और जो कि बड़े मज़ेदार है, और बच्चे से बड़ा शौक से खाते हैं, तो घर में बनाइए।